बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये प्रॉपर्टीज़ हम 9th क्लास में रियल नंबर्स के लिए पढ़ चुके हैं। यही प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी सेटिस्फाई करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स आपने एक बात ये याद रखनी है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये दो बेसिक ऑपरेशंस के लिए होंगी। एक हम पढ़ेंगे एडिशन के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। लेट जेड वन एंड जेड टू be the two complex numbers. Then commutative property is defined as z1 plus z2 equal to z2 plus z1। ये स्टूडेंट्स जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, ये स्टेटमेंट ये है अंडर एडिशन। इसके साथ मैं लिख लेता हूँ अंडर एडिशन। इस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट को आपने इस तरह से समझना है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों z1 एंड z2, तो अगर आप उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस ऑर्डर से ऐड करें z1 प्लस z2, या उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन आप इस ऑर्डर से करें z2 प्लस z1, तो दोनों केसेस में आपको सेम आंसर मिलेगा। जो आंसर होगा वो इक्वल होगा और आंसर में आपको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। इसी प्रॉपर्टी को अंडर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर लेते हैं। उसके लिए भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने चाहिए z1 एंड z2। अंडर मल्टीप्लिकेशन उसकी स्टेटमेंट इस तरह से होगी z1 into z2 equal to z2 into z1। तो इसके साथ हम लिख लेते हैं, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये है अंडर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। अंडर एडिशन भी एग्जांपल दी गई है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एग्जांपल आप बुक में चेक कर सकते हैं। इसकी हम एक्सरसाइज से इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड अलजेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत होती है। इफ़ z1 कॉमा z2 एंड z3 बी द थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स then associative property is defined as, तो उसकी स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट इस तरह से होगी z1 plus z2। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप अगर लेफ्ट साइड में ब्रैकेट में रखेंगे तो तीसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z3, उसको ब्रैकेट के बाहर आप एडिशन में रखें। इक्वल टू, ये इसकी लेफ्ट साइड है, इक्वल टू। अब राइट साइड स्टूडेंट्स इस तरह से आपने याद रखनी है कि लेफ़्ट साइड में आपने z1 प्लस z2 इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन को ब्रैकेट में रखा, तो राइट साइड में अब आपने ये ब्रैकेट z2 और z3 पे लगानी है। z1 को ब्रैकेट से बाहर रखना है आपने। तो राइट साइड इस तरह लिखी जाएगी z1 प्लस ब्रैकेट
जेड टू प्लस जेड थ्री, ये इसकी स्टेटमेंट है। ये स्टूडेंट्स आपकी जो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है अंडर एडिशन, जमा के लिहाज से। इसी की आप अगर स्टेटमेंट लिखें अंडर मल्टीप्लिकेशन तो उसमें सिर्फ ये डिफरेंस होगा, जैसे हम ऊपर भी कर चुके हैं, तो डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि आप एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लें। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हम लिख लेते हैं जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेड थ्री इक्वल टू जेड वन इंटू जेड टू जेड थ्री। देखें लेफ्ट साइड पे मैंने ब्रैकेट लगाई है जेड वन और जेड टू पे अंडर मल्टीप्लिकेशन, और राइट साइड पे यही ब्रैकेट आप जेड टू और जेड थ्री पर रखेंगे। तो इसके साथ हम लिख सकते हैं ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये है अंडर एडिशन, एडिशन के लिए प्लस का साइन यूज़ कर लें। और स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है ये है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें भी हमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत होती है। इफ जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री बी द थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स then distributive property of complex numbers is, तो उसकी स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं जेड वन ब्रैकेट, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, जेड वन ब्रैकेट जेड टू प्लस जेड थ्री इक्वल टू जेड वन इंटू जेड टू प्लस जेड वन इंटू जेड थ्री। स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपके पास दोनों ऑपरेशन आ जाते हैं, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। अगर इस प्रॉपर्टी की आप स्टेटमेंट को देखें तो इसमें आप अगर इसकी लेफ्ट साइड की स्टेटमेंट को समझें तो ब्रैकेट के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर आप जेड वन एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल आप सबसे पहले अगर लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो वो इस तरह से सॉल्व किया जाएगा कि आप ब्रैकेट के अंदर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको जेड वन से मल्टीप्लाई किया जाएगा। राइट साइड इस तरह से इस स्टेटमेंट में इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की राइट साइड इस तरह बन रही है कि इस कॉम्प्लेक्स इस ब्रैकेट को लेफ़्ट साइड में इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो जब ये ब्रैकेट ओपन की जा रही है तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर वो जेड वन जेड टू से भी मल्टीप्लाई होगा और वो जेड थ्री, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ आपने जेड वन को मल्टीप्लाई करना है और एडिशन दरमियान में इसी तरह से आएगी। तो ये स्टेटमेंट आप इस तरह से याद रखें। राइट साइड को भी ऐसे सॉल्व किया जाएगा कि पहले आप जेड वन जेड टू को मल्टीप्लाई करें, जेड वन जेड थ्री को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का जो आंसर होगा उसे ऐड कर लिया जाएगा और दोनों केसेस में आपको लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम मिलेगा, आंसर में आपको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। जी स्टूडेंट्स, तो जो हमने आज प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसके बाद आज हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2। क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ सॉरी मैंने टू लिख दिया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन वन में हमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए हैं, जेड वन, जेड वन है टू प्लस फाइव आयोटा, जेड टू हमें गिवन है थ्री माइनस सेवन आयोटा एंड जेड थ्री हमारे पास है वन प्लस सेवन आयोटा। देन वेरीफाई द फॉलोइंग,
तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें जो प्रॉपर्टी दी गई है, अब हम इस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट को देख के इसको पहचान सकते हैं। यह हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। हमने इन गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, उसमें हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने लेना है Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z1 और Z2 के कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिख लेते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा, ये Z1 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्लस Z2, Z2 हमें गिवन है 3 माइनस 7 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में अरेंज करेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ लिखें, 2 प्लस 3, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखें, 5 आयोटा माइनस 7 आयोटा, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 2 प्लस 3 5, 5 आयोटा माइनस 7 आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो ये हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लिया, इसे आप इक्वेशन 1 बना लें। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो एडिशन आ रही है वो है Z2 प्लस Z1। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम इनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, Z2 पहले लिखेंगे और Z1 को बाद में। इनकी वैल्यूज़ लगाते हैं, Z2 हमारे पास है 3 माइनस 7 आयोटा, फिर प्लस Z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा। सेम वही स्टेप्स दोबारा रिपीट किए जाएंगे, पहले इन्हें अरेंज करें, रियल पार्ट्स को एक साथ लिखें, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिखें और सिंपलीफाई करें। 2 प्लस 3 5 माइनस 7 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगी। अब इसके बाद हम इस तरह से लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इक्वेशन 1 में और राइट साइड जो सॉल्व किया इक्वेशन 2, दोनों में सेम आंसर आ रहा है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम है। और लेफ्ट साइड में हमारी क्या स्टेटमेंट थी, डेट इज Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, और राइट साइड की स्टेटमेंट थी Z2 प्लस Z1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। वही क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, सेकेंड और थर्ड पार्ट वो आप सॉल्व करेंगे, और अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन 1 के फोर्थ पार्ट में जो स्टेटमेंट हमारे सामने लिखी हुई है, ये आपके पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसे भी सॉल्व उसी तरह से किया जाएगा स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड भी मैं इस तरह से इसकी बनाऊंगा कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, Z2, Z3, फिर Z1 को हम इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। Z2 और Z3 की कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिख लें ब्रैकेट में, 3 माइनस 7 आयोटा, 1 प्लस 7 आयोटा। ये Z2 आपके पास 3 माइनस 7 आयोटा, Z3 1 प्लस 7 आयोटा, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड एज इट इज़। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर वही है जो आप पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, 3 को मल्टीप्लाई करें 1 और 7 आयोटा से, 3 प्लस 21 आयोटा। अब माइनस 7 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, माइनस 7 आयोटा माइनस 49
आयोटा स्क्वायर, जेड टू जेड थ्री इक्वल टू थ्री एज इट इज़ 21 आयोटा माइनस 7 आयोटा। तो 21 में से 7 माइनस करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा 14 आयोटा माइनस 49। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1, ये हम साथ मेंशन करेंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। जेड टू जेड थ्री इक्वल टू 3 प्लस 14 आयोटा, माइनस 49 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आंसर आएगा प्लस 49। अब रियल पार्ट 49 को 3 में ऐड कर लें, तो जब आप ऐड करेंगे 3 और 49 को तो ये बनेगा 52 प्लस 14 आयोटा एज इट इज़। जेड टू और जेड थ्री को मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप देखें लेफ्ट साइड में हमने जेड टू और जेड थ्री को किससे मल्टीप्लाई करना है, जेड वन से, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है। अब जेड वन से मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ जेड वन इन टू ब्रैकेट में लिखें जेड टू इन टू जेड थ्री इक्वल टू, देखें आपने लेफ्ट साइड में पहले जेड वन लिखा है तो जेड वन की वैल्यू, जेड वन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे आप पहले लिख लें, वो है आपके पास 2 प्लस 5 आयोटा, क्वेश्चन में आपको गिवन है। नेक्स्ट ब्रैकेट में आप जेड टू और जेड थ्री का प्रोडक्ट लिखें, 52 प्लस 14 आयोटा। अब इन्हें मल्टीप्लाई किया जाएगा, लेफ्ट साइड को एज इट इज़ लिखते जाएं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 52 से तो हमारे पास आंसर आ रहा है 104, फिर प्लस 2 को 14 से मल्टीप्लाई करें 28 आयोटा, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 52 से तो इसका आंसर है 260। अब 5 आयोटा को 14 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 14 ये हमारे पास आंसर आएगा 70 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर लिखा जाएगा। लेफ्ट साइड एज इट इज़ लिखें इक्वल टू 104, 28 प्लस 260, इन दोनों को ऐड करें तो ये आंसर बनेगा 288 आयोटा प्लस 70। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं माइनस 1, टू एटी एट आयोटा, 70 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस 70, अब 104 में से 70 को माइनस कर लें, तो 104 में से हम 70 माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 34 प्लस 288 आयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो लेफ़्ट साइड का आंसर कंप्लीट हो चुका है, इसको आप इक्वेशन 1 बनाएं। अब हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड, राइट साइड में स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो राइट साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ब्रैकेट में आ रहे हैं वो हैं जेड वन और जेड टू, तो पहले अब आप जेड वन और जेड टू को मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड कंप्लीट करने के लिए। जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू जेड वन का कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें, क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 प्लस 5 आयोटा, जेड टू का कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं 3 माइनस 7 आयोटा, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, जेड वन जेड टू इक्वल टू 2 थ्री ज़ा 6 माइनस 2 सेवन ज़ा 14 आयोटा। अब 5 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आएगा 15 आयोटा माइनस 35 आयोटा स्क्वायर। एक स्टेप और हम इसका यहाँ लिख लेते हैं, जेड वन जेड टू इक्वल टू 6 एज इट इज़ माइनस 14 आयोटा प्लस 15 आयोटा, माइनस करें
तो ये आंसर आएगा प्लस वन आयोटा माइनस 35, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन। स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट स्टेप ये था, हम राइट साइड सॉल्व कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो लास्ट स्टेप मैंने यहाँ तक सॉल्व किया था कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ अप्लाई कर चुका हूँ। अब हम -35 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 Z2 एज इट इज़ इक्वल टू 6+1 आयोटा +35। रियल पार्ट को 6 में ऐड कर लें, 41 प्लस 1 आयोटा को आप सिंपली आयोटा भी लिख सकते हैं। अब हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 के साथ। Z1 Z2 इनटू, इसको आप ब्रैकेट से बाहर लिखें, Z3 इक्वल टू Z1 और Z2 का जो प्रोडक्ट है वो हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 41 प्लस आयोटा। तो वो आप पहले लिख लें, 41 प्लस आयोटा इनटू Z3 की आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। Z3 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1+7 आयोटा। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड एज इट इज़, 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर ऐसे ही आएगा 41। फिर 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो इसका आंसर आएगा 287 आयोटा। अब आयोटा को 1 और 7 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई करें और इन दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर लें। लेफ्ट साइड को एज इट इज़ लिखें, 41 एज इट इज़, इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा 288 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं -1। लेफ्ट साइड एज इट इज़, 41 प्लस 288 आयोटा एज इट इज़, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -7। लेफ्ट साइड एज इट इज़, 41 रियल पार्ट -7 रियल पार्ट, इन्हें माइनस करें तो 41 में से 7 माइनस करें तो ये हमें आंसर मिलेगा 34 प्लस 288 आयोटा। राइट साइड कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है, इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन टू। तो अगर मैं आपको इक्वेशन वन दिखा दूं जो मैंने सॉल्व की थी, तो इक्वेशन वन हमारे पास ये थी जिसमें हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया था, Z1 इंटू Z2 Z3, उसका आंसर था 34 प्लस 28 आया, 288 आया होता। तो जो राइट साइड हम सॉल्व कर चुके हैं उसमें भी सेम यही आंसर है जिसको मैंने इक्वेशन टू बनाया। तो अब हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, डेट इज लेफ्ट साइड हमारे पास क्या थी, जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट थी उसी को लिखना है। लेफ्ट साइड से Z1 ब्रैकेट Z2 इंटू Z3 इक्वल टू, और राइट साइड ब्रैकेट में Z1 इंटू Z2 और ब्रैकेट के बाहर Z3। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन करेंगे। फिर इंशाल्लाह उसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, उनमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ आएंगी जैसे एडिटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स,
एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।